गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करवाने वाली हूँ बंगाली वेडिंग रिचुअल्स। आज इस वीडियो में मैं अपनी ननद की शादी का पूरा फुटेज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऑन द वेडिंग डे द फर्स्ट सेरेमनी बिफोर सनराइज वी हैव परफॉर्म्ड दोधी मंगल एंड जौल तोला। आफ्टर दैट होलुतकुटा सेरेमनी, फाइव वुमेन्स ऑफ द फैमिली दे विल परफॉर्म दिस होलुतकुटा सेरेमनी। वन वुमन विल कैरी बीटल लीफ इन हर माउथ थ्रू आउट दिस सेरेमनी एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मीनवाइल दे आर परफॉर्मिंग होलुतकुटा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गंगा निमंत्रण। दिस बोरमकुलो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी बंगाली रिचुअल। हमारे देश में शादी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी होती है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग, आपको फैमिली का हर मेंबर आपको बिजी पाएगा। जब हम लोग दूसरे दूसरे काम में बिजी हैं, जब बड़े फैमिली के और दूसरे ऑस्पिशियस काम्स में बिजी हैं, एक आंटी आई सुबह सुबह मुक्ता को शाखा पोला पहनाने। सभी बंगाली वुमेंस जो भी मैरिड होती हैं वो शाखा पोला को बहुत प्राउडली वेयर करती हैं, और ये हम लोगों का एक सिंबलाइज होता है कि वी आर मैरिड नाउ। तो ये हम लोगों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है शाखा पोला पहनाना, तो इस चीज़ को हम लोग सब बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मीनवाइल हम लोग सब हौलूत कुटने में बिजी थे, उस वक्त एक आंटी आई मुक्ता को शाखा पोला पहनाने, और बहुत सुंदर शाखा पोला उन्होंने पहनाया। मेरा तो मन कर रहा था कि उनके साथ बहुत सारे शाखा पोला मैं भी ख़रीद लूँ। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे शाखा पोला का कलेक्शन था। तो आंटी यहाँ पे बिजी हैं मुक्ता को शाखा पोला पहनाने में और ब्लेसिंग देने में, बिकॉज़ ये शादी में किए जाने वाले सारे ही रिचुअल्स, इनका एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वैल्यू होता है। Tupur is a very important headgear which is very important in Bengali wedding. Bride and groom both will buy. It is made of a spongy white dried shola. Shola is a plant. Boy will wear the tupur and the girl will wear mukut. As you can see in my video, my beautiful bride, she is wearing the mukut and looking gorgeous. We are living in a joint family and this is our papai dada, my jethji, my husband's bigger elder brother, and he is sitting for the nandi move or vriddhi. Here he is giving offering to the seventh ancestor of this family and asking blessing for the groom and bride for their happy married life journey. Amader family boro dada papai dada uni vriddhi korte boshechen, bride pashe boshe ache. ये जो ग्रीन कलर का घर है ये मेरा घर है, मेरा और शांताश्री का। मैं और मेरी सारी ननदें मिलकर हम लोग जा रहे हैं गंगा को इस शादी के लिए निमंत्रण देने, मतलब इनवाइट करने के लिए, और पानी भर के लाएंगे जिससे हम गाय हलूद करते वक्त अपनी जो ब्राइड है उसको स्नान कराएंगे। तो जो ये मेरी ननद जिसने ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, उसने जो कलश अपने हाथ में लिया है उसमें भर के हमें पानी लाना है, और मेरे हाथ में जो ठाकुर को वरण, मतलब गंगा को वरण करने के लिए मेरे हाथ में सारा आयोजन है जिससे मैं माँ गंगा को वरण करूँगी और इनवाइट करूँगी हमारी शादी में आके प्रेजेंट होने के लिए और मेरी ननद को ब्लेसिंग देने के लिए। ये पहली बार है जब मैं माँ गंगा को निमंत्रण देने गई हूँ। मुझसे पहले ये काम मेरी मदर इन लॉ किया करती थी, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, और ये पहली बार है जब ये काम मेरे पे सौंपा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने माँ गंगा को पूरे मन से इस शादी में आने के लिए निमंत्रण दिया, और सारे रिचुअल्स को जैसे करना चाहिए, जैसे मैंने मेरे मदर इन लॉ से सीखा है, वैसे ही करने की कोशिश करी। वीडियो की तो स्क्रीन तूने नहीं पकड़ा।
सारे काम के बीच में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ सेल्फी खींचने का टाइम निकाल ही लेते हैं, हम दोनों का सबसे फेवरेट वाला काम। गंगा से लाए हुए पानी से अपनी ननद को स्नान कराने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हम सब लोग परिवार की जो जितने भी औरतें हैं वो सब लोग उसके ससुराल से आया हुआ हल्दी उस पे चढ़ा रहे हैं, उसको पानी से स्नान करा रहे हैं जो हम गंगा से लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा फन एंटरटेनमेंट वहाँ पे चल रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा हंसी ठिठोली कर रहे थे, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने इस बार। सारा फैमिली एक जगह गैदर हुआ, जीजू और सारे जीजूज आए हुए थे, सारी बहुएँ आई हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने मुक्ता की शादी में। सारे बच्चे एक जगह हो रखे थे, सब उन लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ था, सारी औरतों का अलग ग्रुप, आदमियों का अलग ग्रुप, बच्चों का अलग ग्रुप। ये सब हमारी फैमिली के बच्चे हैं जो सब लगभग एक ही उम्र के हैं, और काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा था वहाँ पे। सारे कज़न, ब्रदर, सिस्टर, जो ये सारे कज़न्स हैं जो आपस में शायद सालों बाद मिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग माहौल था वहाँ पे, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया बातों बातों में, फ़न में। कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला, शादी इवनिंग की थी तो शाम होते ही मुक्ता के जो होने वाले हस्बैंड हैं वो आ गए। अब वहाँ पे इनका बोरन चल रहा है, बोरन के बाद ये शादी के लिए बैठेंगे। अभी मेरी मदर इन लॉ जो पान से नोतुन जामाई को बोरन कर रही हैं, मतलब उनको हमारे घर में वेलकम जना रही हैं, मतलब वेलकम कर रही हैं। Oh, cool.
এটা জাতাটা এখানে লাগিয়ে নি, জাতা রুমালটা পাশে লাগিয়ে মালাটা খুলুন, এটা এখানে না, এখানে এটা এখানে রাখবে, মালাটা নিচে রাখবে, আরে মালাটা খুলতে হবে, এর ভেতর দিয়ে দেবে अरे भावनाओं को समझो, चीजों को मत समझो, दूरी मुख हंस लगो, बोले भालू आस्ते दूरी मुख हंस लगो, ना अरे भालू आस्ते रे, तू खूब सुंदर लगती है, লাল মালাটা এই গলে চলে গেল, এই মালাটা ওর গলে থাকলে সুন্দর লাগতো তো, মডার্ন উনি ওসব জানেন না।
সে মুকুটটা ঠিক করো আমাদের কালচারের সঙ্গে ফুলটা নামিয়ে ক্লোজ হতে নেই वरमाला होने के बाद और लड़की को 7 बार पेड़ी पे करके घुमाने के बाद पहले हमने वरमाला की, फिर उसके बाद शुभ दृष्टि होती है बंगाली मैरिज में, उसके बाद एक दूसरे को फूल सुंघाने के बाद वर और वधु दोनों विवाह पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे सारे मंत्रों का उच्चारण होगा, एक हवन होगा, पंडित जी उन दोनों को एक दूसरे के साथ 7 जन्म के लिए बांधेंगे, उनका गठजोड़ होगा। उसके बाद फिर दोनों एज अ ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और सारे रिचुअल परफॉर्म होंगे। यहाँ पे लास्ट में सिंदूरदान होता है जिसमें वर अपनी वधु को सिंदूर चढ़ाता है। उसके बाद से शी इज़ प्रॉपरली अ वेडेड वाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रूम। और ये सिंदूर लगने के बाद मुक्ता बहुत सुंदर लग रही थी और हम सब लोग ऊपर से उसको देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे ये मोमेंट। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ, भगवान करे हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर इन लोगों ने एक केक कटिंग सेरेमनी, जो उनके फ्रेंड्स की तरफ से एक केक आया था उसको कटिंग किया, एक दूसरे को केक लगाया और फिर दोबारा दोनों फोटो सेशन में बिज़ी हो गए। उनका स्पेशल डे था तो फ़ोटो लेना जाहिर सी बात है बनता ही है, फ़ोटोज़ नहीं होंगे तो इन चीज़ों को हम बाद में कैसे रिलिश करेंगे। सो ये मुक्ता का रिसेप्शन लुक है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। रिसेप्शन का लुक एकदम अलग था, बहुत ही मॉडर्न था, जैसे वेडिंग डे बिल्कुल एथनिक था, रिसेप्शन वाला लुक बहुत मॉडर्न था। उसका लहंगे का कलर इतना क्लासी था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था उसका कलर, एजलेस कलर उसने चूज़ किया था और मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर सारे बच्चों के साथ उसने फ़ोटोज़ ली, हम सब लोग रिसेप्शन वाला डे एक्चुअली हम ब्राइड के घर वाले ग्रूम के घर जाते हैं और वो लोग हमें पार्टी देते हैं, हम लोग वहाँ पे खाना पीना फ़ोटो सेशन मस्ती इस तरीके का माहौल रहता है। तो हम लोग वहाँ गए और सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, खाना पीना काफ़ी अच्छा था, सब लोग बिज़ी हो गए फैमिली की बातें चिट चैट गॉसिप फोटो सेशन एंड ऑल। बच्चों का तो क्या ही कहना, सारे कज़न्स एक साथ थे तो कितने मज़े कर रहे थे। ये सारे कज़न्स आपस में काफ़ी सालों के बाद मिल रहे थे तो इनके तो बहुत ही ज़्यादा मज़े हो रखे थे, भागम भाग दौड़म दौड़ पता ही नहीं क्या कर रहे थे, किसी के भी कंट्रोल में नहीं थे। फिर एज़ यूजुअल मेरा बेस्ट वाला काम सेल्फ़ी लेना, फिर मैंने अपनी सारी नंदों के साथ सारे फैमिलीज़ के साथ सेल्फ़ी ली, अपने हस्बैंड के साथ सेल्फ़ी ली और फिर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये थी मुक्ता की वेडिंग की कुछ ग्लिम्स जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बंगाली वेडिंग के रिचुअल्स और किस तरीके से एक बंगाली मैरिज जो लगभग 5 दिन की सेरेमनी होती है किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। क्लोज़ फैमिली सर्किट में हमने ये सेरेमनी बनाई और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ अ क्वालिटी टाइम विच वी स्पेंड इन अ फैमिली। ये मेरा पूरा परिवार एक ही फ्रेम में यहाँ पे सारे, यहाँ पे कोई भी बुज़ुर्ग इंसान नहीं है क्योंकि सारे बच्चे ही गए हुए थे रिसेप्शन में, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर घर पे ही थे रिसेप्शन में, सारे ब्रदर सिस्टर भाभीज़ यही सब हम लोग गए हुए थे और बुज़ुर्ग लोग, ठंड का माहौल था तो वो लोग घर पे ही थे। मेरे फादर इन लॉ आए थे लेकिन पिक्चर्स में नहीं है वो। और इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया मुक्ता की शादी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ डू शेयर लाइक सब्सक्राइब टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।